आज जब हम ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इस पर फोकस कर रहे हैं तो इसमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी उतनी ही बड़ी भूमिका है। सेंट्रल विस्टा से जुड़ा जो काम आज हो रहा है उसके मूल में यही भावना है। ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का सेंट्रल विस्टा जैसे फिजूल खर्ची वाले प्रोजेक्ट के साथ संबंध सिर्फ मोदी जी ही निकाल सकते हैं। सच्चाई तो यह है कि इन दोनों का संबंध सेंट्रल विस्टा परियोजना के साथ दूर दूर तक नहीं है। ईज ऑफ लिविंग के साथ सेंट्रल विस्टा का रिश्ता जोड़ने से पहले मोदी जी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि जब कोरोना की दूसरी भयावह लहर के दौरान लोग अस्पताल, ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर, दवा, इंजेक्शन आदि के लिए तड़प रहे थे, उस वक्त सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए 20,000 करोड़ रुपए क्यों आवंटित किए गए? क्या लोगों की जिंदगी से भी ज्यादा अहम इमारतें हैं? हाहाकारी दूसरी लहर के दौरान भी जब लगभग हर चीज बंद थी तो प्रोजेक्ट का काम चलता रहा, उसे आवश्यक सेवा घोषित कर दिया गया। ऐसे में जनता के मन में यह सवाल उठना लाजमी है कि मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट का निर्माण कोरोना महामारी के दौर में आवश्यक सेवा कैसे हो गया? ईज ऑफ लिविंग के साथ तुलना करने से पहले पीएम मोदी को यह भी बताना चाहिए कि मरते हुए लोगों को छोड़कर हजारों करोड़ रुपए इमारतों पर खर्च कर लोगों की जिंदगी कैसे आसान हो रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और सेंट्रल विस्टा की तुलना करने से पहले पीएम मोदी को यह बताना चाहिए था कि जब देश में छोटे उद्योग धंधे तेजी से बंद हो रहे हैं, उनकी मदद करने की जगह 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर सेंट्रल विस्टा परियोजना का काम चालू रखने से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का माहौल कैसे बना। शब्दों के साथ खेलकर मोदी जी लोगों को अब और बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। जनता यह बात कभी नहीं भूलेगी कि जब संकट काल में लोग मुश्किल में थे तो उनकी मुश्किलों को दूर करने की जगह सरकार सेंट्रल विस्टा को आवश्यक सेवा घोषित कर 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही थी।